अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान शेर, आप देख रहे हैं जिंदगी में ज़िंदगी। दोस्तों आज मैं एक वॉशरूम में बैठा हूं और आप देख सकते हैं कि कमोड के ऊपर बैठा। मेरा बैठने का मकसद कुछ इस कमोड को ठीक करना है। ये कमोड की टैंकी है, इसके अंदर पानी आना बंद हो चुका है। अब मेरे पास दो ही हल थे, या तो मैं किसी प्लम्बर को बुला के इसको ठीक करूँ या मैं खुद सही करूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम ज़िंदगी में आसानी है, तो फिर आपके लिए आसानी लाए और आज आपको बताऊंगा कि कमोड की टैंकी में पानी अगर नहीं आ रहा है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये एक चाइनीज ब्रांड बोटा का कमोड है, जिसे सिंगल पीस कहा जाता है। इसकी टैंकी में पानी नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका जहाँ सब मेन सप्लाई वाटर की आ रही है, इसको हम बंद कर देंगे। जी दोस्तों, ये फिल्टर जो लगा हुआ है इसको हम अब खोलेंगे। ये देखिए, ये फिल्टर के हाल देखें कि फिल्टर कितना जंग से भर चुका है। और ये बेसिकली आपके पानी गंदा होने की निशानी है, जो आपका टैप वाटर कितना गंदा है, जिसमें कितनी आयरन है, आयरन के डिपॉजिट जमे हुए हैं, जो इसकी वजह से इसका फिल्टर को ब्लॉक करते हैं। अब दोस्तों करना हमें क्या है, इस फिल्टर को सिंपल हमने साफ करना है और आपको मैं तरीका भी बताता हूँ इसका साफ करने का। दोस्तों ये मैंने फिल्टर खोल लिया है, ये मैंने कंटेनर में थोड़ा पानी लिया है, उसमें डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, एसिड घर में इजीली अवेलेबल होता है, वॉशरूम के लिए, धोने के लिए, कोई हार्पिक या कोई भी एसिड है, ये आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। अब इसको अच्छी तरह आप साफ कर दें। ये देखें साफ होना शुरू हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह साफ करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये फिल्टर बिल्कुल साफ हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी जालियाँ बिल्कुल साफ। ये एसिड बेसिकली कौन सा होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम नमक का तेजाब भी बोलते हैं, ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट्स के अंदर। नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप टॉयलेट क्लीनर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों ये दोबारा मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ और दोबारा इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखें ना, अच्छी तरह अब इसके सारे जो नेट है वो मैं टाइट कर रहा हूँ। दोस्तों सारे मैंने नेट इसके टाइट कर दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसको ऑन कर लूँगा और ये देखें पानी इसके अंदर आना शुरू हो गया है और टैंकी भरनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसका भी एक आसान सा मेथड है कि आप जब ये टैंकी भर रही हो तो कुछ दिनों के बाद आप इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया करें, ताकि अंदर की जो स्केलिंग है वो भी इसकी ख़त्म हो जाए। जैसे कभी आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों ये थोड़ा सा एसिड मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसकी टैंकी जो है उसके अंदर आए जो ख़त्म हो सके। जी देखिए कैसे उसके डिपोजिट टूटना शुरू हो गए, उसके लिए लगी हुई है। कम से कम आप 3 से 4 मिनट तक इस टैंकी को भरा करेंगे, उसके बाद इसको और फ्रेश करो। ये देखें दोस्तों ये फुल होकर टैंकी ऑटोमेटिक से रुक गई है। आप इसको 3 से 4 मिनट तक पड़े रहने दें, ताकि एसिड अच्छी तरह पानी में हल हो जाए और आप इसके लिए को रिमूव कर दें। ये सिर्फ आपकी इन स्केलिंग्स को, इसके अंदर जो पानी के मिनरल के डिपॉजिट जमे हैं उसको स्केलिंग को निकाल देगा और बाद में इसको फ्लश कर दें, आपकी फ्लश की टैंकी ख़राब होने से बच जाएगी। जी दोस्तों अब टाइम हो चुका है 5 मिनट का, अब इसको मैं फ्लश करूँगा। ये देखें
दुगला पानी इसका निकल गया है। और ये टैंकी भी साफ हो गई। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने कमोड की टंकी को वॉश भी कर लिया और पानी भी इसका चालू कर दिया। मैं समीर के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पर वक्त मिलती रहे तो बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।